वेलकम मोदी का महामिशन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शोभना यादव। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें एससीओ समिट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वहां होने वाले हर फैसले का वर्ल्ड डिप्लोमेसी पर जबरदस्त असर पड़ेगा। और इस डिप्लोमेसी में अगर किसी राष्ट्राध्यक्ष पर पूरी दुनिया की नजरें लगी है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अब से कुछ ही घंटे बाद समरकंद की सरजमी पर कदम रखने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणय उपाध्याय और एससीओ समिट में होने वाली हर हलचल को एबीपी न्यूज ने आप तक पहुंचाने के लिए ये स्पेशल वॉर रूम तैयार किया है। हमारा वॉर रूम सीधा समरकंद से कनेक्ट है और अगले 72 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुके हैं। हमारे रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय एससीओ समिट की पूरी खबर, हर अपडेट लेकर आपके लिए वहां से पहुंचा रहे हैं और हर जरूरी अपडेट हम आप तक एबीपी न्यूज के इस स्पेशल वॉर रूम तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल प्रणय, और इस वॉर रूम से हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि मोदी किससे मिलेंगे, यानी मोदी की मुलाकात किस किस से होगी। जब पुतिन से 1-to-1 मुलाकात होगी तो अमेरिका में क्या खास तैयारी होगी, बाइडेन कैसे नजर लगाकर सुनेंगे, आखिर क्यों मोदी और पुतिन की बैठक पर बाइडेन की नजरें टिकी हुई है। इसी वॉर रूम से पल पल का सबसे पहला अपडेट समरकंद का हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही इसी वॉर रूम से हम आपको समझाएंगे कि एससीओ समिट का पूरा गणित क्या है, कितने देश हैं, उन देशों की ताकत क्या है और सभी दिग्गजों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी की अहमियत क्या है, कितनी है। हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान भी होंगे, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। और उससे पहले अभी अभी आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बिल्कुल, और इस समय की बड़ी खबर यह है कि समरकंद रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा है कि व्यापार, अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ में जाने से पहले अपने बयान में क्या कुछ कहा है। ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के बुलावे पर समरकंद जा रहा हूं। एससीओ में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एससीओ के विस्तार और इस संगठन के और उपयोगी बनाने पर भी चर्चा होगी। उज्बेकिस्तान की अध्यक्षता में हो रहे इस सम्मेलन में व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यटन से जुड़े मुद्दों पर आपसी सहयोग बढ़ाने की उम्मीद है। मैं उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जियोयेव से मिलने को लेकर भी बेहद उत्सुक हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो एससीओ समिट के लिए रवाना हो रहे थे उससे पहले उनका ये बयान सामने आया। और मैं आपको बता दूं कि समरकंद में हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी मौजूद हैं। स्टूडियो से भी हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, पूर्व राजनयिक जुड़ेंगे, प्रणय मेरे साथ लगातार यहां बने हुए हैं। और देखिए अभिषेक हमें दिखने भी लगे हैं, अभिषेक का रुख करेंगे। समरकंद का मोदी महामिशन एससीओ समिट पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है, 8 देश इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। प्रणय मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी समरकंद में मौजूद है और इस समय हम वॉर रूम से बड़ी कवरेज आपके लिए लेकर आए। और इस समय की बड़ी खबर, 2.5 घंटे बाद एससीओ समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे। शाम 6:40 पर वो रवाना होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी कुछ घंटों के बाद एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए समरकंद के लिए रवाना होने वाले हैं। पीएम मोदी शाम 6:30 रवाना होंगे और भारतीय समय अनुसार रात 9:30 समरकंद पहुंचेंगे। और देखिए मेहमानों का एक पैनल भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, राजनयिक पूर्व दीपक वोरा जी मुझे दिखाई दे रहे हैं और प्रणय अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं समरकंद से। बिल्कुल अभिषेक, 72 घंटे से मौजूद हैं समरकंद में, हर पल का अपडेट। क्यों ये एससीओ की समिट बहुत महत्वपूर्ण है, रणनीतिक बिसात पर इसकी क्या अहमियत है उसके लिए महत्वपूर्ण है। और अभिषेक आप वहां से जिस तरीके से देख पा रहे हैं जो ये इसकी अहमियत है, प्रधानमंत्री मोदी यहां से रवाना होंगे, राष्ट्रपति पुतिन वहां पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति रईसी पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंच चुके हैं, कैसे इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का ताकि यह बैठक शुरू हो सके। प्रणय, बैठक को कल शुरू होना है, आज सारे बायलेटरल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इंतज़ार दो पर्सपेक्टिव से है। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि जो बायलेटरल्स होंगे, कल बायलेटरल्स हैं, प्रधानमंत्री मोदी कल रूस के राष्ट्रपति से मिलेंगे, उनकी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात है, उनकी ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात, ये बड़ी अहम मुलाकातें हैं। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी का जो इंतज़ार हो रहा है उसके पीछे एक बात और हमें समझनी पड़ेगी कि भारत की आज जो स्थिति है, ईरान को इस एससीओ समिट में इंतज़ार है कि भारत जो तेल है, ईरान का तेल है, उस पर फैसला करे, भारत ईरान का तेल खरीदे, जो 2018 के बाद भारत ने बंद कर दिया। ईरान का कहना है कि जो प्रतिबंध की बात कही जा रही है वो प्रतिबंध कहीं भी लॉजिकल नहीं है। रूस को चाहिए कि भारत और रूस
रुपया और रूबल में ट्रेड करें। ऐसी ही चीन को भी भारत की आवश्यकता है, जो बॉर्डर में जिस तरह से वो पीछे हटा है PP15 पर, उसके बाद के डेवलपमेंट को लेकर के सेंट्रल एशिया के जो देश चाहे उज्बेकिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, आप जिससे भी हम यह बात कर रहे हैं, भारत को लेकर के बहुत उत्साह है, बहुत उम्मीदें हैं, संभावनाओं के दरवाजे हैं। तो ये भारत की अहमियत है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के इसमें शिरकत करने का और यहाँ से जो संदेश उनका जाएगा उसका शिद्दत से इंतजार है। जी बिल्कुल अभिषेक उपाध्याय, कूटनीति की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से ये बहुत अहम बैठक कल होने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर इंतजार हो रहा है। पल पल का सबसे पहला अपडेट आप हम तक पहुंचा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। समरकंद मोदी का महामिशन और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, एससीओ समिट में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। अमेरिकी प्रतिबंधों का रईसी ने बड़ा बयान दिया है और रूस ईरान पर लगे प्रतिबंधों का असर खत्म करेंगे। तो ये मुलाकात चल रही है उज्बेकिस्तान में, समरकंद में, एससीओ समिट में। ये देखिए तस्वीरें हमें मिलने लगी है, व्लादिमीर पुतिन और इब्राहिम रईसी, ईरान के राष्ट्रपति, दोनों आमने सामने, अमेरिकी विरोधी दोनों ही देश इस समय हाथ मिलाते हुए। और निश्चित रूप से इन मुलाकातों के साथ ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समरकंद में होने वाली एससीओ की बैठक का एजेंडा, क्या कुछ होने जा रहा है जब दुनिया के बड़े मुल्क मिल रहे हैं, आधी से ज्यादा आधी के करीब आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले ये मुल्क मिल रहे हैं, तो एससीओ का एजेंडा क्या है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद ये पहली एससीओ समिट हो रही है जिसमें ये नेता आमने सामने मिल रहे हैं। साथ ही हिंद महासागर में चीन की बढ़ती हुई ताकत और उसकी मनमानी के बीच ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है रणनीतिक बिसात क्या खाका तय करने के लिए। साथ ही खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 28% ऊर्जा के संसाधन इन एससीओ देशों के पास में है, तो इस लिहाज से एससीओ का यह एजेंडा बहुत अहमियत रखता है। साथ ही आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए एससीओ का एक जो संगठन है रैट्स, उसके तहत आतंकियों का पूरा डेटाबेस बनाया जाए, यह भारत की मांग है और इसलिए इस लिहाज से भी एससीओ की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होगी, फैसले होंगे और करीब 30 से ज्यादा दस्तावेजों पर दस्तखत की उम्मीद की जा रही है एससीओ की समरकंद में होने वाली इस बैठक में। तो बहुत कुछ होने वाला है एससीओ की इस बैठक में और अफगानिस्तान में तालिबान 2.0 के साथ किस तरीके से डील किया जाए। एससीओ की बैठक में जहां इससे पहले तक डायलॉग पार्टनर के तौर पर अफगानिस्तान आमंत्रित रहता था, इस बार तालिबान निजाम को बुलाया नहीं गया है। साथ ही कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसमें चाबहार को जोड़ने की योजना है, चाबहार वो पोर्ट जो भारत ने बनाया है ईरान के बंदर अब्बास के इलाके के अंदर। तो निश्चित रूप से ये तमाम चीजें शोभना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है एससीओ की ये इस बैठक के लिहाज से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।